तो दोस्तों मैं हूं आपका सोहन और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है TVS Apache RTR 204V और साथ के साथ में दूसरी जो बाइक है वो है Yamaha FZ25। तो आज हम करने वाले हैं इन दोनों ही बाइक का एक कंपेयर वीडियो, क्योंकि दोनों ही जो बाइक है ना ये लॉन्ग टूर के लिए सबसे बेहतरीन बाइक मैं मानता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं Yamaha के इंजन के बारे में, फिर देन हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपाची के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए तो Yamaha FZ25 के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो आपको 249cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve का आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी आपको 20.8 PS @8000 RPM पर, और मैक्सिमम जो टॉर्क निकाल के देगी वो निकाल के देगी 20.1 Nm @6000 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। बोर जो मिलेगा 74mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा वो आपको 58mm का स्ट्रोक आपको इस बाइक में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है और ओरिंग चैन ड्राइव आपको इस बाइक के अंदर मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं अपाची की बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, इसके अंदर आपको 197.75cc का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 20.82 PS की @9000 RPM पर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइक आपको सेम पावर निकाल के देने वाली है। एक जो बाइक है वो आपको 250cc की मिलने वाली है और दूसरी जो बाइक है वो आपको 197cc की बाइक मिलेगी। तो पावर जो अगर देखा जाए तो इन दोनों ही बाइकों के अंदर आपको सेम पावर मिलने वाली है। टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो 17.25 Nm @7500 RPM। इनिशियली अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे अपनी FZ25 जो है वो आगे आती है, क्योंकि इसके अंदर 3 Nm का टॉर्क जो है वो फालतू मिल रहा है। तो यानी इनिशियली पिकअप जो आपको मिलने वाला है वो आपको FZ में ज़्यादा मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। 66mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 57.8mm का स्ट्रोक आपको इस बाइक में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली, ये भी ओरिंग चैन ड्राइव पे होने वाली है, लेकिन अपाची के अंदर आपको 4-valve इंजन मिलेगा। वहीं पे अगर मैं FZ की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपको इंजन मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 2-valve का इंजन, लेकिन अपाची में आपको यहाँ पे 4-valve का इंजन मिलेगा। तो यहाँ पे जो बाइक है ये विन करती है। पेट्रोल दोनों ही बाइकों के अंदर, दोनों ही पेट्रोल बाइक है और स्पीड का पेट्रोल लगाओगे तो माइलेज आपको और भी अच्छा खासा मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करते हैं दोनों ही बाइकों के अंदर आपको डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क ब्रेक का आपको इसके अंदर ऑफर मिलेगा। अपाची F200 की अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो दोस्तों ये जो बाइक है ना आपको 35 से 30 तक का माइलेज आपको ये बाइक निकाल के दे देगी। वहीं पे अगर मैं FZ के माइलेज की बात करूँ तो FZ आपको थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज निकाल के दे देगी। क्यों देगी ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। टॉप स्पीड जो है तो आपको अपाची 200 के अंदर आराम से आपको टॉप स्पीड 140 के समथिंग की टॉप स्पीड मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं FZ की टॉप स्पीड की बात करूँ तो FZ भी आपको आराम से 138 तक पहुँच जाएगी। स्पीड जो है वो इतनी अचीव कर लेगी। अब हम बात कर लेते हैं टायर्स के बारे में। तो फ्रंट टायर आपको जो FZ में मिलने वाला है, FZ25 में जो मिलने वाला है, फ्रंट टायर होगा आपका 180 का आपको फ्रंट टायर मिलेगा। जो रियल टायर मिलेगा वो 140/70 का मिलेगा, 17 जिसके अलॉय व्हील्स के साथ। और वहीं पे अगर मैं अपाची की बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको जो टायर मिलने वाला है वो फ्रंट टायर 90/90 का मिलने वाला है, और रियल टायर जो मिलने वाला है वो आपको 130/70 का रियल टायर मिलेगा फिर 17 जिसके अलॉय व्हील्स के साथ। अलॉय व्हील्स की अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो अपाची का भाई मेरे को अलॉय व्हील का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। डायमंड कट में जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन दे रखा है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन FZ के अंदर आपको जो मिलेगा वो नॉर्मली अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन होता है वही आपको सेम मिल जाएगा। दोनों ही बाइकों के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा, लेकिन अपाची में आपको रेडियल टायर मिलने वाला है। FZ के अंदर भी आपको रेडियल टायर नहीं मिलेगा, FZ में रेडियल टायर नहीं है, लेकिन अपाची 2 में जो है वो आपको रेडियल टायर मिल जाएगा, जो कि आपकी कॉर्नरिंग की स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा अच्छी कर लेगा। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो सीट हाइट जो आपको FZ में मिलने जाती है, तो FZ के हम डायमेंशन की बात करते हैं फिर देन अपाची के हम डायमेंशन की बात करेंगे। तो सीट हाइट जो मिलेगी आपको 795mm की सीट हाइट आपको मिल जाएगी। वहीं पे व्हील बेस जो मिलेगा वो मिलेगा 1360mm का व्हील बेस मिलेगा। लेंथ जो मिलेगी 2015mm की आपको इसके अंदर लेंथ मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 160mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, और वहीं पे हाइट जो मिलेगी वो मिलेगी 1105mm की हाइट आपको इस बाइक में मिल जाएगी। ब्रेथ के मामले में अगर मैं बात करूँ तो 280mm का ब्रेथ मिलेगा, और पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी जो मिलेगी वो 14 लीटर्स की इसमें मिलेगी। इस बाइक का जो कर्व वेट होने वाला है वो 154kg का कर्व वेट आपको इस बाइक में मिलेगा। LED टेल लाइट मिल जाएगी, फ्रंट हेडलाइट भी आपको LED मिल जाएगी, और इंडिकेटर्स भी आपको LED में मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं FZ की अपाची की बात करूँ तो अपाची के अंदर जो डायमेंशन मिलने वाला है, तो सीट हाइट जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 800mm की, यानी 5mm जो है वो अपाची की सीट हाइट ज़्यादा है। व्हील बेस जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 1353mm का व्हील बेस मिलेगा, जो कि 7
जो MM है वो कम है FC से, तो यहाँ पे जो है हमारी FC विन करती है। और लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2020 MM का लेंथ मिलेगा, जो कि 5 MM का फ़र्क आ रहा है। तो 5 MM के फ़र्क में आपको FC जो है वो आपको थोड़ी सी पीछे जा रही है, लेंथ के मामले में आपकी जो अपाची है वो विन करती है। ग्राउंड क्लियरेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 180 MM का ग्राउंड क्लियरेंस आपको अपाची में मिलने वाला है। तो 180 MM का जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 अपाची में मिलने वाला है उसका क्या है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है, 20 MM काफ़ी होता है, तो 20 MM के आप अगर ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो, लॉन्ग टूर वगैरह करते हो, तो यहाँ पे आपको जो 180 सेगमेंट है ना ये आपको बढ़िया मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊबड़ खाबड़ में भी चलाओगे तो आपकी गाड़ी कहीं भी टच नहीं होने वाली जमीन वगैरह पे। और पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ हाँ, तो पेट्रोल टैंक आपको इसमें 12 लीटर का मिलेगा और FZ में 14 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको इस बाइक में मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों देखा जाए तो पेट्रोल के मामले में सीधी बात मैं आपको क्लियर बोल दूँ तो 2 लीटर पेट्रोल आपको रखना है। तो 2 लीटर पेट्रोल रखने की वजह से जो अपाची का पेट्रोल टैंक मिलेगा वो आपको 10 लीटर का मिल जाएगा। 12 लीटर का है लेकिन 2 लीटर आपको रखना है, तो आपको इसके अंदर 10 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको मिल जाएगा। लेकिन यही पे बाजी जो है वो FZ में आ जाती है। FZ जो है वो 14 लीटर का पेट्रोल टैंक देते हैं, यानी अगर 2 लीटर इसके अंदर हमें रखना है तो इसका मतलब ये है कि 12 लीटर पेट्रोल टैंक, यानी 2 लीटर जो पेट्रोल टैंक है वो आपको इसमें ज़्यादा मिलने वाला है। वहीं पे मैं कर्व वेट की बात करूँ तो ये कर्व वेट आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है भाई। 154 kg का कर्व वेट आपको मिलेगा यहाँ पर FZ में, लेकिन अपाची में 152 kg का कर्व वेट मिलेगा। पेट्रोल टैंक ज़्यादा है, 2 लीटर वेट वैसे ही बढ़ गया, लेकिन फिर भी क्या है 2 किलो कम जो है ना, 2 किलो तो 2 किलो ज़्यादा जो है वो थोड़ी सी FZ रहने वाली है। तो देखो पेट्रोल का थोड़ा सा प्रॉफिट उठाएंगे तो वो तो देखो ये अपने हाथ में, अपने हाथ में कैसे है, पेट्रोल मान के चलो हमने 500 का डलवा लिया तो कोई बात नहीं, 5 लीटर पेट्रोल डला उसमें, ठीक है 2 लीटर हमने रखना है तो टोटल कितना हो गया 5 × 2 = 7 हो गए। 7 लीटर पेट्रोल से आपका क्या होगा कि गाड़ी का वेट और भी हल्का हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली अगर देखा जाए तो माइलेज निकालेंगे, टेक्निकली भी हमें थोड़ा सा बाइक का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर दोनों की बात करो तो दोनों के अंदर ही आपको टेलर LED मिल जाती है। लुक्स के मामले में अगर देखा जाए तो लुक्स आपको किसका अच्छा लगता है, तो अगर मैं लुक्स के मामले में बात करूँ तो अपाची का मुझे लुक अच्छा लगता है, लेकिन लुक के मामले अपाची का लुक एक नंबर है। लेकिन FZ के अंदर जो टेक्निकली जो कंपनी ने काम करा था, जैसे कि अब FZ25 भी मैंने चलाई है, तो FZ25 के अंदर क्या है ना, जब हम अपने थाइस को टैंक पर चिपका के चलाते, टच करके चलाते, तो उसमें जो एक कर्व बनता है बिल्कुल ऐसा लगता है जो आपका पैर है ना वो बिल्कुल इस तरीके से बना रखा है कंपनी, मतलब वो कहते हैं बारीकी वाली चीज़। तो टैंक के अगर आप बिल्कुल चिपका के बैठ के चलाने वाले बनते हो तो टैंक के साथ ही आपका हो जाता है, तो एरोडायनामिक इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया बनती है। वहीं पे अगर मैं डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो डुअल चैनल ABS और डुअल डिस्क ब्रेक का आपको इसमें मिलेगा। वहीं पे अगर मैं इसके अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक की FZ की बात करूँ तो 282 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। और वहीं पे अपाची के अंदर 270 mm का डिस्क ब्रेक मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है भाई 12 mm फालतू मिलेगा आपको FZ के अंदर। वहीं पे अगर मैं रियल ब्रेक की बात करूँ तो रियल ब्रेक जो है वो 220 mm का FZ में मिलेगा, लेकिन 240 mm का आपको अपाची में मिलेगा। लेकिन अपाची का जो है वो 20 mm आपको फालतू मिलेगा रियल जो डिस्क ब्रेक है। तो इसमें बेनिफिट अपना क्या है भाई, डुअल चल रही है तो ब्रेकिंग जितनी बड़ी रहेगी उसमें बढ़िया रहने वाला है। और सबसे खास बात अगर मैं अपाची की बताऊँ तो इसके अंदर हमें पैडल डिस्क ब्रेक मिलता है। पैडल डिस्क ब्रेक का हमारा ये बेनिफिट होता है कि जो हमारी डिस्क प्लेट है ना वो जल्दी गर्म नहीं होती, तो जल्दी गर्म नहीं होने की वजह से ना यहाँ पे जो हमारी अपाची है ना, यहाँ पे हमारी अपाची ब्रेकिंग के मामले में आगे रहती है। और सुपर मोटो का अपाची वैसे ही देता है, और यामा जो है यामा का अपना रहता है, तो यामा का भी तुम्हें पता है भाई ब्रेकिंग इसकी नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात है, ब्रेकिंग एक नंबर होने वाली है। अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, यहाँ पे पता नहीं ये FZ ना मार खा जाती है, पता नहीं क्यों मार खा जाती है। यामा ना, यामा की FZ25 ना बहुत प्यारी बाइक है, मैं सही बताऊँ ना एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ना यार बहुत मुझे कमी लगती है, क्योंकि बहुत कमी है इस बाइक में। वहीं पर अगर देखा जाए तो अपाची में क्या क्या मिलता है, तो अपाची में आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है GTD टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, इसके अंदर आपको एडजस्टेबल वो मिल जाएगा, लीवर एडजस्टेबल लीवर्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। और एग्जॉस्ट की साउंड की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो यामा में क्या है, रिफाइनमेंट इंजन है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एग्जॉस्ट साउंड की कमी लगी, लेकिन अपाची में साउंड की कमी नहीं लगने वाली भाई आपको, अपाची के अंदर साउंड की कमी एक नंबर होने वाली है। वहीं पे मैं अगर अपाची की बात करूँ तो इसके अंदर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इसके अंदर आपको अर्बन मोड मिल जाएगा, रेन मोड मिल जाएगा, स्पोर्ट्स मोड मिल जाएगा। ये जो तीनों मोड है ना, ये तीनों मोड मैं अगर सही बताऊँ ना, जब आप इस बाइक को बारिश में चलाओगे ना, क्योंकि मेरे पास भी अपाची है, मेरे पास 164 भी है, लेकिन भाई जब मैं रेन मोड पे चलाया ना, तो भाई जो ब्रेकिंग ने काम करा ना, एक नंबर काम करा, मैं तो भाई बिल्कुल मेरा दिल खुश हो गया, तब प्यारा ब्रेकिंग इस बाइक में जो लगा ना भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। वहीं पे इसके अंदर आपको स्लीपर क्लच मिल जाएगा, फ्यूल इंजेक्शन, ये तो खैर दोनों ही बाइकों के अंदर है, स्लीपर क्लच आपको FZ में नहीं मिलने वाला, लेकिन इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाएगा।
वहीं पे स्विच कंट्रोल्स के हिसाब से सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको, एंगल लीन, ये सारे मतलब अगर मैं सही बताऊँ तो एयर क्लीनर, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर आपको मिल जाएगा। यानी FZ के मुकाबले में ना अपाची में बहुत सारी ऐसे ऐसे फीचर्स मिलने वाले जो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे। लॉन्ग राइड पर अगर आप अपाची को लेके जाए तो फ़ोन जेब में रखा, नेविगेशन कनेक्ट कर लो, स्मार्ट कनेक्ट कर लो तो वो आपका दिखा दें। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई 100% एक्यूरेट नहीं जाता है मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि मैं पर्सनल ओन कर रहा हूँ तो भाई वो एक्यूरेट नहीं आता जो हमें एक्यूरेट चाहिए होता ना भाई, वो एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब तो मान लो बहुत ज़्यादा ड्रामा है, अगर सीधी सीधी बात बोली जाए ना बहुत ज़्यादा ड्रामा है, क्योंकि भाई सही नहीं दिखाता है, ठीक है। साथ के साथ में से क्या कॉल अलर्ट मिल जाएगी जो आपको FZ में नहीं मिलने वाली है, इसमें कॉल अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। मैसेज बता देगा आपको मैसेज किसका आ रहा है, मेल आ रहा है, व्हाट्सएप मैसेजेस उसमें सब लिखा है, कॉल किसके आते हैं, वहाँ पे नाम जो आपके फ़ोन में सेव कर रखा वो लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। साथ के साथ में दोनों ही आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगी, दोनों ही नेकेड स्पोर्ट्स बाइक है, सेल्फ स्टार्ट दोनों में है, किक ऑप्शन दोनों ही बाइकों में, स्प्लिट सीट दोनों में ही मिल जाएगी आपको। और स्प्लिट सीट की खास बात बताऊँ ना कि पिलियन की जो सीट है दोनों ही बाइकों की सीट बहुत कम्फर्टेबल है, चाहे FZ ले लो चाहे अपाची ले लो, दोनों ही बाइकों की सीट जो है ना वो इतनी कंफर्टेबल है ना कि पिलियन ना आराम से बैठ के भाई आराम से 500 किलोमीटर अगर हम रोज का भी पिलियन बैठ के चला रहे हो भाई नो डाउट कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं FZ के अंदर आपको क्या मिलता है, जो ऑयल कूल्ड मिलता है वो इस तरीके से कंपनी ऑयल कूल्ड दे रखी है, जो आपने पाइप्स देखी होगी जैसे वीडियो में भी देख रहे हो जो पाइप्स दे रखी है ना वहाँ से ऑयल कूल्ड है। तो मतलब ऑयल कूल्ड एक प्रॉपरली ऑयल कूल्ड नहीं है, लेकिन ये है कि ऑयल कूल्ड है लेकिन एक प्रॉपरली वाला ऑयल कूल्ड है, लेकिन अपाची में आपको प्रॉपरली ऑयल कूल्ड वाला सिस्टम मिलने वाला है। वहीं पर आपको इसके अंदर डिजिटल मीटर कंट्रोल मिल जाएगा, नेविगेशन आपको अपाची में मिल जाएगा और DRS आपको इस बाइक में मिल जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही बाइकें भाई अपनी जगह पे बेस्ट है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक परचेज करनी है, अगर आपके आपको दोनों में से कौन सी चाहिए तो कमेंट में बता दो। बाकी अगर पर्सनल ओपिनियन मुझसे कोई पूछता है कि मुझे कौन सी बाइक चाहिए, तो देखो मैं अगर एक मेरा एक बजट, अगर मेरा बजट थोड़ा सा कम है, ठीक है, अपाची 200 के हिसाब से मेरा बजट थोड़ा सा कम है, तो मैं FZ की तरफ आंखें बंद करके जा सकता हूँ, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। FZ का इंजन एक नंबर इंजन है, क्योंकि यामा का जो इंजन है ना भाई, मैं बंदा हूँ इंजन लवर, तो FZ का इंजन एकदम मक्खन इंजन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर अब मैं जा रहा हूँ फीचर्स की तरफ कि मुझे फीचर्स ऐसे चाहिए कि भाई फीचर एक नंबर आने चाहिए, गाड़ी में फीचर्स होने चाहिए, तो भाई मैं आंखें बंद करके अपाची की तरफ जाऊंगा। मैं अपना प्राइस बढ़ा भी लूंगा लेकिन मैं अपाची की तरफ जाऊंगा, क्योंकि अपाची में बहुत सारे फीचर्स हम लोगों को मिले हैं। लेकिन FZ में क्या है ना, बस फीचर्स की कमी है। अगर कंपनी FZ में थोड़ा सा लगा दे ना, थोड़ा सा टेढ़मबाजी करके लगा दे और तुम्हारा इसका मीटर लगा दे जो तुम्हारी कौन सी 4V कह रहा हूँ सॉरी, ये आती है R15 वर्जन 4 का मीटर लगा दे तो भाई मज़ा आ जाएगा, बाकी तो फिर गाड़ी फुलफिल हो जाएगी। बाकी लुक्स आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से सारी चीज़ें पता चल गई कि कौन सी बाइक हमारे लिए बेस्ट है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देख ले भाई, दोनों चैनल RK ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बैक एंड दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके।